कैसे? बहुत बढ़िया हो रहे हैं। नहीं बताओ ना। अरे तुम्हारी फेवरेट है ना? यहाँ पे ओले पड़ने के बाद बर्फ की परत जमी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ गिरी हो। सो ब्यूटीफुल, बर्फ का आनंद ले लिया हम लोगों ने भी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, एंड आपका हर पल मंगलमय हो। तो आज है 26 जनवरी के बाद का दिन, क्योंकि 26 जनवरी को आपको पता है कि मेरी मुझे कल ना पता नहीं क्या था, दिन भर मुझे इतना स्लो था मूड, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने सोचा था कि मैं 26 का दिन अभी फेस भी नहीं थी, मतलब कल रात ना मैं सो नहीं पाई थी, मुझे हल्का हल्का फीवर भी फील हो रहा था और आंखें ऐसी लग रही थी। तो क्या छोड़े, ये तो चलता रहता है। लेकिन कल के कल तो इतना मौसम खराब था, मैंने आपको दिखाया था बहुत ज़्यादा मौसम खराब था। वो नहीं हमारे यहाँ कहते हैं ओले पड़े, तो ओले पड़े थे और उस साइड में ना हमने बर्फ़ भी जमी थी, मैंने दिखाया आपको, तो बर्फ़ की परत जमी थी, तो हमने भी थोड़ा स्नोफॉल का मज़ा ले लिया। स्नोफॉल का मज़ा ले लिया। और अभी सुबह का टाइम है, सुबह से मैं कुछ कपड़े मैं ऊपर डाल दिए छत में, क्योंकि जो कपड़े सूख गए थे ना उनको भी मैंने छत में डाला है ताकि थोड़ा धूप लग जाए, जरूरी होती है धूप। मतलब बरसों बीत गए, धूप के दर्शन आज गए, आज बहुत अच्छी रीत है। ये देखिए आज बहुत अच्छी रीत है और सबने कपड़े डाले हुए छत में, मैंने भी कपड़े छत में डाले हुए हैं। और अब मैं आदि को छोड़ूंगी मम्मी के यहाँ, ये नाना के साथ धूप पे डालेगा और फिर मैं ये सारे काम करूँगी, क्योंकि मुझे आज अच्छे से क्लीनिंग करनी है। क्योंकि जब बारिश होती है ना, मौसम खराब होता है, तो फिर लगता है कि नहीं यार छोड़ो, ठंडा है, काम काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जैसे मतलब मौसम साफ होने के बाद जो धूप आती है, तो फिर क्योंकि मौसम खराब होता है, बारिश होती है, तो पोछ में पानी, बरामदे में पानी, सारा खिचपिच। और आज थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया था कल, जो मैंने आना था तो तबीयत लो थी काफ़ी। तो ये देखिए सारे चद्दर वद्दर ये साफ किया, थोड़ा सा ऊपर डाले इसके, जिसने दो तीन यूज़ किए चद्दर, मैंने ये देखिए चद्दर निकाल के चेंज करने, चद्दर दूर ढाल पर डालिए, कुछ कपड़े वहाँ सूखा के मैं ले आई हूँ नीचे, क्योंकि जो कपड़े सूख गए थे ना उनको तो मैंने जल्दी जल्दी से धूप में डाला, नीचे ले आई, जो मैं धुले गए थे उन्हें मैंने छत में डाल दिया। तो फिर शुरू करते हैं आज का। हाँ, कल मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मुझे इस तरह से 26 नहीं हो पाया, तो ये देखते हैं आज क्या क्या होता है। यहाँ पे देखिए छत पूरी कपड़ों से भरी हुई है, ये है हमारी मतलब डोरी ऐसी भरी हुई है बिल्कुल डोरी गार्ड, और सभी के छत देख लीजिए कपड़े भरपूर मात्रा में। ये सच में मतलब 10-11 दिन बाद आई होगी, इतनी सुंदर धूप की कपड़े सूख जाएंगे, ये देखिए कपड़े ही कपड़े। और यहाँ पे प्लांट भी हो गए हैं खराब, अब इनको भी एक पूरा दिन देना पड़ेगा सारे प्लांट खराब। 5:30 करीब आधे यहाँ पे खेला, ये रजाई देखिए, सर्दियों में तो ऐसी रहती है रजाई, ठंड भी हो रही है ना, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसी रहता है। मैंने दोबारा ढंग से बिस्तर मतलब कम से कम मैं दिन भर में 1-2-3 5-6 बार मुझे सही करना पड़ता है, ट्वाइस, ये देखिए ट्वाइस दोबारा। फिर आजकल खाना भी छत दिया है, जैसे बेड में खिलाती हूँ। आज मॉर्निंग के बाद मैं अब सूट कर रही हूँ, बिकॉज आज कपड़े सुखाने में, क्योंकि रजाई के जो कपड़े सूखे हुए थे ना मैंने वो भी धूप में डाले, तो मुझे ना पूरा दिन ही ऐसा निकल गया। फिर मैंने इसको मम्मी के यहाँ छोड़ा, देन मैंने थोड़ा पोछ गंदा हो गया था, मैंने पोछ साफ किया, फिर बरामदे में भी क्योंकि वो ओले पड़े तो बरामदा भी इतना गंदा हो रखा था, पोछ साफ किया, बरामदा साफ किया, उसके बाद छत साफ नहीं किया, छत में भी पानी था, तो मैंने कहा सूख जाएगा उसके बाद मैं झाड़ू मारूंगी, वरना ना वो पूरा फिर वो किचपिच हो जाता है। तो और फाइनली कपड़े सूख गए हैं फिलहाल, तो मतलब जो आज तक के थे वो सूख गए हैं। और मैंने कसा नए कपड़े हो रखे हैं ना इतने ज़्यादा। हाँ दिया जा, ये आ जाएंगे तो फिर कपड़े तो ये भी मेरे को हेल्प कर देंगे, मतलब अगर टाई लगा के रख देते हैं ना। तो यहाँ पे हो रही है मेरे अप्पे बनाने की तैयारी जी, यहाँ क्योंकि 26 जनवरी को बनाना था मुझे ट्राई कलर के अप्पे, लेकिन नहीं बना पाई, तो क्या हुआ आज बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे लिया है मैंने सूजी में दही और मैसे, और बहुत अच्छे से फिट रही, ये देखिए बहुत अच्छे से फिट रही है। और मुझे 3 कलर बनाने थे, तो यहाँ पे मैंने मिक्सी की हेल्प से पालक से और गाजर से 2 पेस्ट बना लिए, ग्रीन और गाजरी कलर के, और यहाँ पे वाइट कलर तो अवेलेबल है ही, तो हो गया ट्राई कलर। अब इस वाइट कलर को मैं मिलाऊंगी गाजरी कलर में और पालक कलर में, पालक वाले कलर में, तो ये हो गया मिक्सर। तो ग्रीन कलर, गाजरी कलर, और यहाँ पे 3 कलर अवेलेबल हो गए मेरे पास ट्राई कलर। अब यहाँ पे मैंने एप्पे पैन में
और रिफाइंड ऑयल लगाना शुरू कर दिया। और इसके बाद मैंने मिक्सर वो डाल दिया हैप्पे वैन में। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ग्रीन कलर, ट्राई कलर तो लग ही रहे हैं। और इसको ढक्कन ढकने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आए, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ये पिन वाली स्टिक इसी पे अवेलेबल थी, तो इसकी सहायता से इनको दोबारा पलट दिया, फिर से ढक्कन लगा दिया। और ये देखिए और फाइनली जो बन के आया अच्छे से। और यहाँ पे मैं बना रही थी पालक और मशरूम की सब्जी, तो यहाँ पे भी ड्राई कलर बन रहा था, बस बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं यही दिखा रही थी। और यहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, पता नहीं कौन सा नृत्य हो रहा है। तो अप्पे तो बन गए हैं और टेस्टी लग रहे हैं, तो मैंने इस तरह से बनाया है। तो अप्पे तो बना दिए मैंने, अब देखते हैं कैसे लगते हैं जनाबे आली को। सही सही बताना ठीक है, लग तो अच्छे रहे। और ये और जो ये चटनी है ना, तिल की चटनी बनाई है मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया हो रहा है। नहीं बताओ ना क्या सॉरी, अब दो बार बताऊँ मैं? तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आती, मुझे इतनी वॉल्यूम करनी पड़ती है मुझे। अब बताओ। अच्छा बताओ कैसे हो रहा है? तो बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत सच कैसे हो रहा है सुंदर, यहाँ देख के बोलो। हाँ देखो कुछ खास नहीं है, बोला सटा सट गुच्छा मारा। वो देखो सही है, नमक मिर्च ठीक है, नमक मिर्च ठीक है। अच्छा यानी पास हो गए, ये देखिए लग रहा है ना केसरिया है ना ग्रीन। पतिदेव को कला चला के पहचान कर ले, पतिदेव लो तो सूंघ रहे हैं प्राणी, देखो सूंघते हैं पहले खाना खाने से पहले, ये प्राणी प्रकाश नामक प्राणी। कैसी सब्जी? अच्छी है। अच्छी है सब्जी, इसमें पालक है मशरूम है, तुम्हारी फेवरेट है ना? मिर्ची भी है। ये तो पूरा फूडिंग ब्लॉग बन गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट है कि नहीं, तब स्टे ट्यून विद अपर्णा नेगी, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी, जय माता दी, सब्सक्राइब।